सामने सनी माफ कीजिए संजय मेमोरियल क्लब का ये पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है भराड़ा और प्रिंस इलेवन के बीच। तो थोड़ी देर में आप सभी के सामने आप बने रहिए इस चैनल पर। तो इसी बीच हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाज भी क्रीज की ओर बढ़ते हुए मैच शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी पर है बाला और ये चले छोटी बॉल गैप में खेलने का प्रयास। कीपर बहुत ही कॉन्फिडेंट, देखिए कितने आगे खेल रहे हैं बिल्कुल विकेटों पर। और ये चले अच्छी बॉल काफी नीचे रहती है। इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर है लेकिन जब तक बॉल को लाएंगे चार रन। पहली बाउंड्री आती हुई फिर से छोटी बॉल और इस मामले दूसरा ओवर लेकर बालक राम विक्रांत मुस्तैद वहां पर एक रन जरूर ले लेंगे। इस बार फ्री हिट था, उठाकर खेला है पीछे जरूर मौजूद है बाला राम, बहुत ही मुस्तैद फील्डिंग। इस बार उठाकर खेला है पीछे, फील्डर मौजूद है, देखते हैं और देखते ही देखते छह रन। इस बार फिर से उठाकर खेल दिया है, बॉल गई है जंगल में छह रनों के लिए। तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है भराड़ा के बल्लेबाजों ने, दो ओवर में 25 रन बना चुकी है ये टीम। तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं लक्की, ये चले हल्के हल्के कदमों से और उठाकर खेल दिया है इसे छह रनों के लिए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इस बार गैप में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्डर बॉल को वापस भेजेंगे एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। और इस बार उठाकर खेला है, बॉल ग्राउंड में है, खिलाड़ी उसके नीचे देखते हैं और ये कैच ड्रॉप हो चुका है। तो बड़ा मैच और शायद ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सलामी इस बार नीची रहती हुई गेंद, इस बार सामने खेला है लॉन्ग ऑफ पे, पीछे फील्डर मौजूद हैं, जब तक बॉल वापस आएगी एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन बहुत अच्छी नसीहत दी उसे, बहुत अच्छा गैप में खेल, बहुत ही शानदार रूप से खेला इसे चार रनों के लिए पवन ने। जी हाँ पवन शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई और बहुत अच्छी गेंद लेकिन रक्षात्मक तरीके से भी खेला और एक रन भी जरूर उस पर प्राप्त कर लिया पवन ने। इस बार सामने खेला उन्हीं के फॉलो थ्रू में लगभग पहुंच भी गए थे लेकिन छूट गई गेंद, एक रन फिर से पूरा कर लिया आसानी से।
और इस बार सामने खेला है पीछे फील्डर मौजूद, जब तक बॉल वापस आए एक रन असाली। इसको क्या गर्म है, कबड्डी खेलते हुए लगी। और इस बार मौका बन सकता था लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे रह गए, एक रन जरूर मिल जाएगा। चार ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 43 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ का प्रदर्शन लक्की के द्वारा। इस बार गैप में खेला है, पीछे दो फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा कर लिया तब तक बल्लेबाजों ने। और यहाँ इसी बीच स्वागत ऐसा भी किया है और बाला के हाथों में एक आसान सा कैच, थमा बैठे बाला, बाला बाला ने ये क्या कर डाला। और पहली सफलता मिली प्रिंस इलेवन को जो कि लकी के खाते में, और ये सफलता दिलवाई मिस्टर बालाराम ने। सामने है लकी, सामना करेंगे काका, ये चले लकी। अच्छी लाइन और लेंथ लेकिन कीपर को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, और बाई का एक रन जरूर मिल जाएगा इसी बीच। इस बार सामने खेला है लेकिन एम्पायर का इशारा पहले ही नो बॉल का आ गया है, तो एक अतिरिक्त बॉल डालनी होगी। फ्री हिट यहां पर, और सामने इस बार सामना करेंगे काका। और नीची रहती हुई धीमी गति की गेंद छकाया बल्लेबाज काका खेले। इस बार छोटी गेंद लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, मिस कर गए। रवि चले छठा ओवर लेकर, धीमी गति की गेंद से हल्का सा फ्लिक कर दिया पवन ने, जब तक बॉल आएगी तब तक एक रन जरूर पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ मुझे खतरा बन सकता है यहाँ पर, लेकिन तब तक दो रन आसानी से पूरे कर लिए। ये चले धीमी गति की गेंद नीचे रहती हुई, और इसी बीच बाई के रूप में एक रन जरूर मिल जाएगा तब तक। ये चले रवि काका के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, काका थोड़ी जल्दी में है। ये चले, जी हाँ बहुत सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं रवि, बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं दे रहे हैं लगातार रवि के द्वारा। ये चले, और इस बार उठाकर खेला है पीछे, बालाजी मौजूद लेकिन बालाजी के सिर पर से ये क्या कर डाला, छह रनों के लिए के सामने है। ये चले रवि, इस बार फिर से उठाकर खेला है पीछे, फील्डर मौजूद लेकिन फिर से दर्शक बने फील्डर, सीधा पवन ने अपने 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बना 64 रन। तो वापसी फिर से 7वें ओवर की शुरुआत, सामने काका जो अभी तक खामोश है, इस बार खामोशी को तोड़ दिया है, जंगल में भेजा है बॉल को 6 रनों के लिए। तो काका भी अब शुरू हो चुके हैं, जानते हैं इनिंग अंतिम क्षणों में कुछ बड़ा करने का प्रयास, बड़ा प्रयास था इस बार भी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन विक्रांत की धाकड़ वापसी, बालकराम विक्रांत डंडे उखाड़ते हुए और काका को वापस भेजते हुए। ये चले विक्रांत, सामना करेंगे सुनील, और सामने खेला है लॉन्ग ऑन पर, पीछे फील्डर मौजूद, तब तक एक रन पूरा कर लेंगे, थोड़े से यहां पर डिसबैलेंस। 7वां ओवर प्रगति पर, ये चले सामने पवन, छोटी गेंद लेकिन बल्ले, ये चले इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन मिस, इस बार आगे खेला है सीधा उनके फॉलो थ्रू में, वी में खेला है शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ गए, खतरा बन सकता है लेकिन दो रन पूरे कर लिए, तीसरे के लिए दौड़ गए हैं और 3 रन पूरे किए। 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74 रन ओवर लेकर, और इस बार उठाकर खेला है पीछे, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए।
और 50 रन अर्धशतक पूरा किया इस बल्लेबाज ने पवन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस खिलाड़ी के द्वारा। ये चले इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज इतने भी ढीले नहीं है, बहुत जल्दी वापसी करते हैं ये गेंदबाज रवि। स्ट्राइक पर है मोहन प्यारे। ये चले रवि मोहन के लिए। जी हाँ, रवि की गेंद को खेलना इतना आसान नहीं है मोहन आज ने। जी हाँ, फिर से वही गेंद और यहाँ पर कैच आउट हो चुके हैं ये मुकाबला। ये चले रवि। रवि ने राम ने खेला है गैप में, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी से पूरा करेंगे क्योंकि स्ट्राइक करते हैं रवि की आखिरी गेंद में। ये चले और बहुत धीमा गेंद और सीधा जंगल में भेजा बॉल को फिर से आखिरी गेंद पर 6 रन लगाकर। तो इनिंग की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 88 रन। तो 89 रन का एक टारगेट रखा है, देखते हैं ये टारगेट प्रिंस 11 के लिए मुश्किल होता है या आसान। 89 रनों का लक्ष्य रखा है और इसी बीच पहली गेंद और आक्रमण शुरू से ही हल्का फ्लिक करा गेंद को, लेकिन टिक नहीं कर पाए सही से और शुरुआत एक बार फिर से गेंदबाज हल्के कदमों के साथ और इस बार जो है जब फ्लिक करने का प्रयास किया लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेकिन वो सफल नहीं है इस गेंद को फ्लिक करने में। एक मरतबा फिर से गेंदबाज हल्के कदम के साथ शुरुआत करेंगे और इसी भी लंबा गेंद जरूर था, पढ़ने और चढ़ने में हल्के से सफल है। देखते हैं जरा क्या कुछ कर पाते हैं इस गेंद पे, उम्मीदें भरपूर से और इसी बीच जोरदार गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद और कैच लपकेंगे लपकेंगे इस कदर की वापस जाना होगा बल्लेबाज को। कमेटी के सदस्यों के चाय का प्रावधान कीजिए यहाँ पे, कमेटी वाले जो चाय मांग रहे हैं। और एक मतलब फिर से इस बार गेंद सीधा स्टंप से जा लगी और वापिस जाना होगा नरेंद्र को, आते ही स्वागत किया और वापिस भेजा, ये तो बल्लेबाजी बता सकते हैं आने वाला वक्त बताएगा। और इस बार फिर से अंदरूनी किनारा बार बार बचे, इस बार भी एक और हैट्रिक का मौका, हैट्रिक का मौका जो था उसे फिर से गेंदबाज अपने रन मार्क पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामने रहेंगे। लंबा गेंद सीधे बल्ले से पड़ने का प्रयास किया, कितनी दूर जाएगी ये तो समय के साथ पता चलेगा और इसी भी दूसरे के लिए दौड़े हैं, 2 रन चुरा पाएंगे या 2 रन जो है आसानी से चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज इस प्रिंस 11 के मध्य। एक बार फिर से गेंदबाज अपने रन मार्क पर और इस बीच जो है छोटा गेंद जरूर लेकिन बल सुहाने, एक बार फिर से गेंदबाज अपने रन मार्क पर और इसी बीच एक बार गेंद जो है सीधा स्टंप से जा लगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था बल्लेबाज की रणनीति शायद से इसे मैदान की ओर दीपक, और इसी बीच दीपक ने आते ही जो है आक्रमण शुरू किया और इस कदर किया कि रन कितने मिलेंगे हल्के कदमों के साथ चहलकदमी करते हुए और इसी भी छोटा गेंद जरूर लेकिन नीचे रहा और इसी बीच रनआउट का खतरा बरकरार था, लेकिन खिलाड़ी अपने सुरक्षित जो बल्लेबाज वापस पवेलियन ले जा चुके हैं इस मरतबा एक बार फिर से। और ये एक और छोटा गेंद जरूर लेकिन टप्पा सही कहना चाहूंगा मैं समय गेंद बल्लेबाज तैयार दीपक और इसी बीच एक बार फिर से हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर करा और डायरेक्ट हिट प्रयास में थे खिलाड़ी, लेकिन रवैया जो है उन्होंने अपना के रखा है और इसी पीछे पर फिर से जो प्रहार करने का प्रयास करा लेकिन गेंद ज्यादा दूर जाएगी नहीं, फील्डर मौजूद है दूसरे के लिए जाएंगे उसकी राह पे चल रहे हैं अपना रहे हैं सिंगल डबल को। फुल टॉस गेंद और इस बार करारा प्रहार, गेंद जाएगी सीमा पार, रन देके जाएगी पूरे 6 6 अपने रन मार्क पर हल्के कदमों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। फिर से जो है घुमाया था बल्ला लेकिन गेंद में एक मरतबा फिर से और इस बार छोटा गेंद जैसे ही मिला उसे पड़ा भी है, फील्डर मौजूद है सामने, एक रन चुराया एक ही रन से संतोष करना होगा, छोटा गेंद और पड़ा भी है इतना दूर तो भेज नहीं पाएंगे, थोड़े से ऐसा पड़ा है उसके बीच दूसरे के लिए गए हैं, 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे जी हां 2 रन पूरे करेंगे, 2 रन से थोड़ी सी जो है उछाल आया रनों में एक मरतबा फिर से गेंदबाज हल्के कदमों के साथ और इसी बीच सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर करा है, हेलीकॉप्टर का प्रयास था इस बल्लेबाज की तरफ से। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन लॉस ऑफ 3 विकेट गेंदे 59 रनों का और एक बार फिर से गेंदबाज अपने रन मार्क पर और इसी बीच गेंद जो है स्टंप से जा लगी, लंबा गेंद था हिट कर गए इस गेंद को और जो है स्टंप ने कोई भी मिस नहीं करा, सीधी गिली जो
काकी गेंद का छोटा गेंद लेकिन ज्यादा दूर नहीं, खामोश सा शॉट खेला इस बार खिलाड़ी, कोई मौजूद नहीं था, थोड़ी दूरी पे थे और दो रन पे गेंद की और जो छोटा गेंद मिला उसे बनाया भी, और इसी पीछे पर फिर से जो है बल्ला घुमाया, दो ओवर उसके बाद तीसरा चौथा ओवर जो अब चल रहा है, चौथा ओवर पूरी तरह से बेहतर गति का मिश्रण है इस बार जो हल्का मार, जितना बड़ा लक्ष्य है इस समय सामने, और इस बार फिर से सही दिशा सही ठिकाना गेंदबाज की जी ने फिर से जो अपने रन मार्ग पर काकू वर्गीकरणों के साथ, और इस बार समान ये अच्छी सोच हो सकती है, स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे यदि आप गेंदबाज को समझे, चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 22 रन मात्र गेंदबाज ने पहले में बेहतर गेंद डाली थी इस बार जो है हल्का उठाना चाह लेकिन फील्डर मौजूद थी, एक रन चुराया दूसरे के लिए जाएंगे नहीं जाना भी नहीं चाहिए अगर जोड़ी, देखते हैं इस मैच को कहां तक ले जाती है गेंदबाजी पर है पवन और उठाकर खेला है, जानते हैं कि ये गेंद गलत डाल चुके थे चार रनों के लिए, इस बार सामने खेला है एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे, बड़ा प्रयास करने की कोशिश लेकिन बल्ले और गेंद में कोई सही संपर्क नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी बहुत ही शांत, इस बार उठाकर खेला है ग्राउंड में, बॉल ग्राउंड में है खिलाड़ी उसके नीचे लेकिन कैच ड्रॉप, तो एक 18 गेंद 58 रन और इस बार छोटा गेंद और इतनी लंबी हवाई यात्रा पे भेजा है किसी सुन्नी से उठाकर पर हल्के कदमों के साथ शुरुआत करेंगे और इसी बीच एक बार फिर से करारा फरार फील्डर मौजूद है लेकिन उसी बीच जो है दोनों बल्लेबाजों को रन चुराने से और इस बार हवा में गेंद छोटा गेंद जरूर था लेकिन बल्ला जो है थोड़ा सा पहले घुमा दिया इन्होंने कोई मौका नहीं, एक बार तरफा फिर से और इस बार जो है लंबा गेंद जरूर लेकिन नीचा रहा पड़ने और चढ़ने में असफल रखी, उसी बीच छोड़ बदलेंगे दोनों बल्लेबाज अपने अपने रन मार्ग पर तैयार हल्के कदमों के साथ फिर से और इस बार फिर से जो चढ़ा तो है कितना दूर जाएगा, फील्डर मौजूद है फील्डर के हाथों में तमाम बैठे हैं, वापिस जाना होगा इस बार शानदार कैच पूरी तरह से जज किया इसके बार फिर से और इसी बीच बाहरी किनारा फील्डर मौजूद जहां बनेगा कैच जरूर बनेगा और बनाएंगे भी आसानी से, वापिस जाना होगा एक बार फिर से जो है नवल ने वापसी करी है के हाथों में गेंदबाजी का जिम्मा, छोटा गेंद लेकिन इस बार पड़ा भी और इतनी दूर भेज जाएंगे रन जो है कितने मिलेंगे, एक रन चुराया दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जो क्यों बोलेंगे, छोटा गेंद जरूर है 8 छक्कों की अभी भी आवश्यकता है जीत के लिए नए बल्लेबाज और इस बार फिर से बाहरी किनारा फील्डर मौजूद लेकिन इस बार जो है गलती कर बैठेंगे, दूर से थोड़े से गेंद से कैच ड्रॉप हुआ इस बार 10 गेंदे 47 कदमों के साथ शुरुआत करेंगे सामने लकी और इसी बीच गेंद व्यक्त करना चाहूंगा और इसी बीच छोटी गेंद लेकिन बाहरी किनारा लगातार मैन मौजूद और चौके ने लेकिन उसी बीच एक रन चुरा लेंगे दोनों पार्टनर है जिसे हमने जिसने हमारे को जो इस टूर्नामेंट के लिए प्राइस स्पॉन्सर किया है डीए स्पोर्ट्स और इसी बीच काफी तीखा गेंद उछाल भरा गेंद और इसी बीच फिर से जो एक खेलने का प्रयास किया फील्डर मौजूद मात्र एक रन मिलेगा गेंदबाजी में मिस्टर राम हल्का सा बल्ले से संपर्क हुआ था थर्ड मैन के हाथों में बॉल और एक रन तो शक्ति बलक की टीम में मौजूद थी तो बड़ी बड़ी टीमें और इसी बीच एक बड़ा प्रयास पीछे फील्डर मौजूद काका और काका के हाथों में शानदार कैच बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कैच को लेना और प्रवेश तय हो चुका है और उठाकर खेला है इस बल्लेबाज ने एम्पायर का इशारा ना बाकी मात्र 2 रन दिए है क्योंकि पत्थरों के बीच जाकर फंस चुकी थी ये बॉल का फाइनल में जो है प्रवेश कर लिया इस टूर्नामेंट में ऐसी भी जरूरी किनारा लगा फील्डर मौजूद है और एक और रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज एक और रन चुराने में
एसआर स्पोर्ट जिकर और नाटी दोनों टीमें टॉस के लिए कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए। इसी बीच बेहतर एक लंबा छक्का इस स्ट्रोक इस बार, और इसी बीच एक बार फिर से जो है एक दर्शक कदमों की चहल कदमी करी थी और चार रनों के लिए इस बार गेंद को भेजा। और शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं इसी फाइनल में जो आज प्रवेश कर लिया है। अब अगली आपके साथ की टीम कौन आती है और देखना दिलचस्प। 28 रनों से एक बार फिर से अट्ठाईस रनों से जीत लिया है भराड़ा की टीम ने इस मैच को, तो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है भराड़ा की टीम। इस मैच के मैन ऑफ द मैच पवन, जिन्होंने 56 रन बनाए और एक विकेट भी लिया है, तो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं ये टीम।